तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर जो बिल्डिंग मैं बनाने जा रहा हूँ उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा ही है, पर साथ ही मेहनत भी बहुत लगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करना। तो जी हाँ गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम दोबारा से बाहर खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वाले वर्ल्ड के अंदर। तो लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी और हम लोगों ने बनाया था भाई गोल्डन इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जो कि भाई हम लोगों ने पूरे के पूरे सोने के ब्लॉक से बनाया था। भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी थी इसमें। भले भाई हम लोगों ने अपने फार्म से सारा का सारा गोल्ड निकाला था, पर भाई बहुत ज़्यादा देर तक AFK खड़ा होना पड़ा था इन सभी गोल्ड ब्लॉक्स को इकट्ठा करने के लिए। बाकी फिलहाल आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट ले रखा है ना, उसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा डेजर्ट वाले कहीं पर एरिया के अंदर, जहाँ से हम लोग भाई काफ़ी सारी सैंड लेकर आ पाए, जिससे कि हम लोग बना पाए काफ़ी सारा ग्लास। और ग्लास हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी सिटी को पूरा का पूरा ऊपर से कवर करने के लिए, ताकि वह थोड़ा सा अच्छा सा लगे दिखने के। बाकी फिलहाल के लिए हम लोग उसको पानी के ऊपर बनाने वाले, तो इस साइड पे कहीं पर मैं सोच रहा हूँ उसको हम लोग बना देंगे। मतलब यहाँ पर कहीं पर एक विलेज आता है भाई, पुराना सा अपने पुराना विलेज है, तो उसी विलेज के आसपास बहुत बड़ा सा ओशन है, तो उस ओशन में हम लोग, मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा बना देंगे हम लोग। बाकी फ़िलहाल के लिए उससे पहले हमको काफ़ी सारी सैंड लेकर आनी पड़ेगी, ताकि हम लोग ग्लास बना पाए। एंड बस सैंड ही नहीं, हमको काफ़ी सारी वुड भी इकट्ठा करनी पड़ेगी, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमको कलेक्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके हम लोग वह अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी फ़िलहाल ज़्यादा देर नहीं करते, अपने शल्कर बॉक्स, अपनी एंडल चेस्ट वगैरह सारा सामान उठाते और फटाफट से निकलते हैं भाई सैंड इकट्ठा करने के लिए। ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए जो अपना काम जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। लाइक अपना सुपर स्मेल्टर जो हम लोगों ने बनाया था अभी कुछ समय पहले, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। लाइक इसमें से पीछे वाली जो कार्ट आप लोग देख पा रहे हो ना, इसमें से सारा का सारा कोल जो है सप्लाई हो रहा है ये वाले फर्नेसेस के अंदर, और ऊपर से जो है हमारा ये जा रहा है अपना, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास जा रहा है, मतलब सैंड जा रहा है, और नीचे वाले हॉपर्स में से सारा का सारा ग्लास निकल कर भाई अपनी चेस्ट के अंदर सेव हो रहा है। बाकी फ़िलहाल ये चेस्ट भाई पूरी भरने वाली है, और अपने शेल्कर बॉक्स के अंदर मैं सारे के सारे जो ग्लास इसको शिफ्ट कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग सारी सैंड लेकर यानी कि ग्लास लेकर हम लोग निकल जाएंगे भाई अपने विलेज के पास, जहाँ पर हम लोग भाई अपनी वाटर सिटी बनाने वाले भाई। ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए काफ़ी हद तक काम जो है मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। लाइक मैंने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक आउटलाइन बना दिए, जिसके अंदर वह अपना शहर बनने वाला है। लाइक एक छोटा सा पार्ट होने वाला है अपनी सिटी का, तो यहाँ से भी एक छोटा सा पाथवे आएगा, तो ये आएगा अपने मेन वाले मतलब दूसरे वाले लोकेशन पर। ये तो खैर बीच का रास्ता है, एंड ये भाई कुछ ऐसा सा बनने वाला है, मतलब अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर भाई तीन अच्छी सी चीज़ें बनने वाली, तो ऐसे करके भाई हमारे को सिटी बनने वाली है अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें ना। तो ये देखो, फिलहाल के लिए मैंने अपना गेम मोड स्पेक्टेटर कर लिया है, एंड ये कुछ भाई अपनी सिटी कुछ ऐसी लगेगी बनने के बाद, जो आप लोग साइड में तीन छोटे छोटे देख पा रहे हो ना, उसके अंदर अपने विलेजर्स की घर वगैरह ऐसी चीज़ें बनेंगी, और बीच में बने वगैरह अपने एक सेंटर वाला पार्ट, जहाँ पर भाई सारे विलेजर्स आके भाई एक दूसरे से बातें वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ सीन में सोच रहा हूँ बनाने की। बाकी फ़िलहाल ये कुछ अपना भाई एक्सटर्नल लुक है, इससे अपनी सिटी बनने वाली, तो लेट्स कुछ ज़्यादा देरी नहीं करते, फटाफट से इसके अंदर भाई ग्रास बनना स्टार्ट करते। Thank you.
ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए इतना काम जो है हमारा हो चुका है, लाइक इतने पार्ट के अंदर मैंने ग्रास जो है भर दिए, एंड अभी ये वाला जो बीच का पार्ट है ना, सबसे बड़ा वाला ये बच रहा है, बाकी उस साइड के तीनों को भी मैंने भाई अच्छी तरीके से एकदम से भर दिया है पूरा। तो अरे यार, बात बात में पानी में कुछ ज़्यादा ही गिर जाता है। बाकी इस साइड पे जो तीन है ना, उनके अंदर मैंने पूरे पे ग्रास भर दिए भाई, और ये जो ग्रास है मैंने साइड से वैसे ग्रास बॉक लगाया था और बीच में मैंने डर्ट लगा दी थी, तो धीरे धीरे करके अपनी भाई ग्रास भी जो है आगे आगे ग्रो करना स्टार्ट हो रखे। बाकी बीच में लगाने के भाई थोड़ी बहुत डर्ट वगैरह लेकर आनी पड़ेगी मुझे, तो फटाफट से ये वाला भाई काम पूरा करते हैं और फटाफट से भाई इसके अंदर नए नए स्ट्रक्चर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई बारिश भी स्टार्ट हो गई यार, क्या दिन आ गई भाई, ओशन में ऊपर से पानी, नीचे पानी, कुछ ज़्यादा ही पानी हो रखा है इधर। और यहाँ पर देखो अपने वॉन्डरिंग टर्टल चाचा भी आ चुके हैं, नहा रहे भाई बीच में बैठ कर अपना, मस्त क्या बेच रहे हो वो तो बता दो भाई। एक तो भाई फालतू की चीज़ें लेकर आते हैं हमेशा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूँ तो वही भाई फालतू की चीज़ें हमेशा वाली। इनको छोड़ो भाई, पानीश में भीगने का पता नहीं इनको क्या शौक हो रखा है, शहर बनने से पहले ही इधर आ गए भाई बेचने के लिए सामान। पर चलो छोड़ो इनको, अपना काम पे ध्यान देते भाई हम लोग। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो बड़ा सा वाटर विलेज था वो भाई पूरा बनकर रेडी हो चुका है, जो कि भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा पानी के ऊपर बना रखा है भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसको बनाने में भाई, इसके अंदर जो पेड़ वगैरह लगाने थे, ये छोटी मोटी डिटेलिंग ग्रास होगा वो होगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बाकी ये भाई अपना बीच का सेंट्रल टावर जो कि हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था, अपने विलेज के सबसे पहला बिल्डिंग भाई, बहुत ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगता है दिखने में। बाकी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर भाई विलेजर्स को भी लाके लग दिया, अपने पास के विलेजर्स ये सारे, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान वगैरह पड़ा है, मुझे घर पे लेकर जाना है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे इसको बनाने में, पर फाइनली भाई हमारे जो सिटी थी वो पूरा बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर भाई अपना जंगल वाला पेड़ है, एंड ये अपने भाई चेरी ब्लॉसम, मैंने चेरी ब्लॉसम बहुत ज़्यादा लगा रखे, क्योंकि इसमें से जो पार्टिकल्स निकल कर आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है भाई देखने में। बाकी अपने भाई वॉन्डरिंग ट्रेडर पता नहीं कब से यहीं पर घूमे जा रहे हैं, पता नहीं जाते क्यों नहीं भाई, इसे इनको जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा होगा। बाकी फ़िलहाल भाई ये वाली बढ़िया सी सिटी को छोड़कर भाई कोई जाएगा घर पर। बाकी ये वाला जो देख रहे हो ना आप लोग, इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं कि मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, पर ऐसे करके साइड से हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी ये एक अपना घर है भाई, छोटू सा, काफ़ी डिटेल है, पर ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है पता है, इसमें बहुत टाइम लगता है भाई ऐसे छोटे छोटे घरों को बनाने में। इसके अंदर भी उन्होंने बेड लगा दिए ताकि विलेजर्स अपना रात को आके मस्त यहाँ पर सो सके, एंड विलेजर भाई ज़्यादा घूमते नहीं यही कहीं पर भाई, अपना टहलते रहते हैं, पता नहीं कि इतना बड़ा विलेज इतना अच्छा बना दिया, घूमते नहीं ये लोग। बाकी वहाँ पे भी एक घर है अपना, बढ़िया सा घर है, एंड ये अपना विंडमिल है भाई, यहाँ से भाई पूरे विलेज को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एंड उसके बाद वो अपना सामने बहुत बढ़िया घर है भाई, मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला घर अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इसके ऊपर भाई देखो देखने के लिए टावर भी बना हुआ है ऊपर, काफ़ी सही घर है ये वाला। एंड सबसे बढ़िया बिल्ड जो है अपने विलेज का वो है भाई ये वाला बड़ा सा टावर। तो आपको कैसा लगा ये वाला टावर बताना भाई ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फ़िलहाल शायद अभी रात होने वाली, तो रात का भी लुक हम लोग देखेंगे, मॉब्स भी थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं, गोले वगैरह मुझे यहाँ पर इंतज़ाम करना है उनका भी,
या फिर वो शायद खुद ही स्पॉन हो जाएगी, पता नहीं। पर मैंने क्या किया ना, कुछ कुछ पेड़ों में भी ऐसी लाइट लगा दी है ताकि रात को ज़्यादा अंधेरा ना हो जाए। यहाँ पर भी मुझे लगानी पड़ेगी शायद, क्योंकि इधर थोड़ा अंधेरा बढ़ चुका है। एंड इसके ऊपर भी मैंने लैंटर्न लग दी, पूरे पे मैंने लैंटर्न और टॉर्चेस ये सारी चीज़ें लगा रखी है ताकि भाई अपना विलेज भाई रात को भी दिखे दूर से भी। एंड अगर रात को हम लोग ऊपर से देखेंगे ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो भाई अपना सिटी। एंड मैंने जो बॉर्डर पे डायरेक्ट लगा रखा है ना, उसकी वजह से अपनी बॉर्डर जो है हाईलाइट हो जाती है, तो उससे जो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड आपको कैसा लगा भाई, ये मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जो अपना पहले वाला विलेज हम लोगों ने बनाया था उसके में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और ये तो भाई उससे भी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, क्योंकि भाई इसके अंदर अलग अलग प्रकार की मुझे वुड लेकर आनी पड़ी थी। तो यार सैपलिंग वगैरह मैंने उगा दी थी, एंड सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ये वाले पेड़ों का यूज़ किया, तो काफ़ी सारी मैंने वुड इसके अंदर इस्तेमाल करी है। एंड काफ़ी ग्राइंडिंग भी लगी हुई है इसमें, अलग अलग प्रकार के हमको स्टोन्स लेकर आने थे। ये डायलाइट लगे लग कराओ, उसको स्टोन कटर में कट करो भाई, ये बंदा यहीं पर आके सो गया। भाई तेरे लिए बड़ा सा घर बना रखा है मैंने, उधर सोना, खुले में क्यों सो रहा है। पर चलो इसको तो सोना नहीं, हम इनके घर पे जाके सो जाते भाई। इनको लगता है बेड मिल नहीं रहा है यहीं पर, भाई इधर से आना है तुमको, बस इधर से। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पर दरवाज़ा है, खोल के अंदर सो जाओ। अरे भाई ऑक्यूपाइड है, इधर तो बेड की कमी है भाई बहुत ज़्यादा। अरे अरे बेचारों को भाई बेड की कमी पड़ गई। पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जाके सो जाते। ये अपना भाई इधर उधर देखते में व्यू एंजॉय कर रहे होंगे रात का, बाकी यहाँ पर तो बेड खाली पड़ा हुआ, इधर हम लोग सो जाते भाई मस्त करके। बहुत थक चुके हम लोग बिल्ड बनाते बनाते। बाकी फ़िलहाल हमारे ये वाला जो सिटी बनाने का बिल्ड था फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको कैसा लगा भाई ये वाला बिल्ड, कमेंट्स में जाकर जरूर से बताना। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे नए वाले भाई, ये तो काम पे लगे इधर आके, तो अगर आपके पास कौन सी आइडियाज़ वगैरह होंगी तो भाई बताना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फ़िलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।